अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट बनाते हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, अगर आप व्लॉग्स बनाते हैं, आपका मेकअप का चैनल है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप किसी भी तरह का कंटेंट नहीं बनाते तो फिर भी देख ही लो, अब आ गए हो तो देख लो कौन सी दुनिया फतह करनी है तुमने। आज हम बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में, और सिर्फ म्यूज़िक के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि आप म्यूज़िक ढूंढें कहाँ से। आप ढूंढें YouTube क्रिएटर स्टूडियो से। YouTube क्रिएटर स्टूडियो पे बहुत से ऐसे गाने हैं, सारे ऐसे गाने हैं जो कॉपीराइट फ्री हैं, जिनमें कभी भी कोई कॉपीराइट का मसला नहीं होगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड हैं, थोड़े कम गाने हैं, और कुछ टाइम के बाद आपके पास गाने ख़त्म हो जाएंगे, आपको पुराने गाने वापस यूज़ करने पड़ेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर क्या करें भाई, फिर आप जाएँ soundcloud.com पे, और वहाँ पे पूरे पूरे चैनल्स हैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक बनाते हैं, या बनाते हैं या क्यूरेट करते हैं। नो कॉपीराइट साउंड्स, चिल हॉप म्यूज़िक, मिस्टर सुसाइड शीप। लेकिन अगर आपको पर्सनल म्यूज़िक क्यूरेशन सर्विस चाहिए, तो आपका भाई बैठा है यहाँ पे, आपका भाई ब्लॉगिंग का स्पॉटिफाई है। मेरी प्रोफाइल पे जाएं, जितने भी गाने मैंने लाइक किए हुए हैं वो गाने हैं जो मैं कभी ना कभी अपने ब्लॉग में यूज़ करूँगा या कर चुका हूँ। वो सारे कॉपीराइट फ्री हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। आप साउंडक्लाउड से डाउनलोड कैसे करने हैं तो वो गूगल कर लेना भाई। म्यूज़िक मिल गया, पसंद कर लिया, मज़ा आ गया। अब एक्चुअल बात, हाउ टू यूज़ म्यूज़िक इन योर वीडियोस। इसके तीन लेवल्स हैं, बेसिक लेवल। सबसे पहला लेवल, जहाँ भी थोड़ी खामोशी हो रही है, वीडियो थोड़ी बोरिंग हो रही है, विजुअल्स थोड़े मोनोटोनस हो रहे हैं, वहाँ आप म्यूज़िक यूज़ करें। अक्सर ऐसा होता है कि विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप म्यूज़िक यूज़ करें। That's level number one, basic level, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। Level number two, आप म्यूज़िक उठाएं और कोई भी आपने गाना उठाया हो, उसमें या तो ड्रम बीट होगी, या तो गिटार की रिफ होगी, या पियानो की प्रोग्रेशन होगी, तो जहाँ भी वो स्टार्ट होता है, जहाँ भी ड्रम बजता है, वहाँ पे आप कट लगाएं, तो ऑडियंस को ये लगने लगेगा, एक व्यूअर को ये लगेगा कि ये गाना स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए बना था। वो गाना फिर और मेमोरेबल लगता है, और वो एक वीडियो का एक्सपीरियंस एनहांस कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन। ये था लेवल टू का बेसिक लेवल। अब इसका एक एडवांस लेवल भी है। फर्ज करें आपका गाना एक रोलर कोस्टर राइड है, और आपकी वीडियो भी एक रोलर कोस्टर राइड है। जहाँ वीडियो में टेंशन बिल्डअप हो रही है, वहाँ गाने में भी टेंशन बिल्डअप होनी चाहिए। जहाँ गाने में ड्रॉप आता है, वहाँ वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आना चाहिए। आप अगर गौर करें, हर गाने में कुछ पार्ट्स बहुत स्लो होते हैं। इंट्रो होता है, कोरस के बाद वाला पार्ट होता है, वहाँ पे आपकी वीडियो की पेसिंग स्लो होनी चाहिए। That ain't being innovative, that's identity theft, nigga. Get your own, sort of like Oprah. I'm dropping meteors on, knows who mediocre. C-O-P-Y-C. Level 3 में आप म्यूजिक की बीट को साउंड इफेक्ट्स के साथ सिंग करते हैं। आप साउंड इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई? आपकी वीडियो में कोई भी आवाज़ जो आपके बोलने के अलावा रिकॉर्ड हो रही है, वो साउंड इफेक्ट्स हैं। हवा, ट्रैफिक, दरवाज़ा बंद हो रहा है, ग्लास टूट रहा है, ये सब साउंड इफेक्ट्स हैं। हाशिर की वीडियो में जब हाशिर बॉल को टच करता है, वो टच बीट के ऊपर सिंक है। लेकिन ये हर ब्लॉग में करना मेरे लिए इस लेवल पे काफ़ी मुश्किल है, मैं सीख रहा हूँ अभी भी। अगर आपको इसका बेस्ट यूज़ देखना है, तो आप सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर देखें। उस ट्रेलर में गन शॉट्स बीट के साथ सिंक है, पंच की आवाज़, किसी के गिरने की आवाज़, वो भी बीट के साथ सिंक है। तो ये थे मेरे नज़रिए में तीन लेवल्स ऑफ एडिटिंग, थ्री काइंड्स ऑफ एडिटिंग दैट यू कैन यूज़। लेकिन
अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं, आपकी खाला ने कोई क्लोथिंग ब्रांड खोला है उसकी वीडियो बना रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली व्लॉग्स बना रहे हैं और उसमें अगर आप सिर्फ म्यूज़िक पे रिलाई कर रहे हैं और म्यूज़िक ही म्यूज़िक चल रहा है और वीडियो चल रही है, तो वो शादी की वीडियो लगने लगेगी और वो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। व्लॉग्स में आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। ये जो लेवल्स ऑफ एडिटिंग मैं बता रहा था ये मेरे बनाए हुए हैं, ये कोई रूल नहीं है, और ये इंटरनेट वीडियोस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट फिल्म एडिट कर रहे हैं या अगर आप कोई मूवी एडिट कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल अलग किस्म की एडिटिंग होती है। वहाँ पे आपको किसी की अटेंशन होल्ड करनी नहीं पड़ती, वहाँ पे आप एडिट करते हैं ताकि व्यूअर को कुछ फील हो, कोई इमोशन फील हो। इंटरनेट पे आपका बेसिक एम ये होता है कि एक व्यूअर के पास 3 करोड़ ऑप्शंस हैं और आपने उसको अपनी वीडियो पे रोकना है, तो आप उसकी अटेंशन के लिए एडिट करते हैं। सही है भैया।